10 बजे के करीब आरिफ के अम्मा अब्बा सोने चले जाते हैं और आरिफ अपने दोस्तों में चला जाता है। बस ठीक उसी वक्त ही तुम दीवार के उस तरफ आ जाना और मैं इस तरफ। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है? आई विल बी देयर पाकीज़ा, तुमने घबराना नहीं है। 20 से 30,000 ऐसा करो, मेरे रूम में जाओ और वो बैग लेके आओ। अच्छा आफाक, ये क्या कर रहे हो? बच्चे से बिना पूछे इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? बटवा कहाँ है मेरा? वो अंदर अंदर रूम में रख दिया था मैंने। तो वो खुद चल के आएगा? किस चीज की आवाज है? कौन है वहां पर? ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह, खाया जा रहा है पिया जा रहा है। एक घंटा पहले कहा था कि एक कप चाय ला देना मुझे, तुम तो सेठ बन गई हो, सेठानी बन गई हो, महारानी बन गई हो। तुम्हें तकलीफ हो गई मेरी चाय पीने की? ये लो, नहीं पी रही रखनी चाय। अरे हद हो गई है। अरे तुम तो हो सेठ के बाप हैं, मैं रही नौकरानी की नौकरानी। अब मैं बैठ के चाय पीती भी तकलीफ दे रही हूँ तुम्हें। एक बेटे को कहा है कि कोई काम वाली ला दे, कोई नौकरानी ला दे है, ताकि मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। मगर मजाल है जो सुन ले, पता नहीं शकील के साथ कहां मटर गश्तियां करता फिरता है। ओ ना शुक्री औरत, ओ ना शुक्री औरत, आज अल्लाह ने जो कुछ दिया उसी के नसीब से दिया। और कुछ ना कुछ काम ही कर रहा होगा शकील के साथ, तो उसके लिए नेगेटिविटी में पड़ी रहती है हर वक्त। तो कौन सा मेरे पे एहसान कर दिया है, है ये घर देकर, ये सामान लेकर मेरे पे कौन सा एहसान कर दिया? मैंने भी तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सारी जिंदगी पाला है। अब अगर आराम कर लूंगी तो कौन सी तकलीफ है तुम्हें? बहुत अच्छे, दुनिया की पहली औरत है, पहली माँ है जो बच्चे पालने का एहसान जता रही है। ओ खुदा का खौफ कर, आज जो कुछ भी है हमारे पास उसी के नसीब से मिला है। जीने न दे उसे अपनी जिंदगी, खुश रहने दे, तेरा क्या ले रहा है? सच्ची बात है, मेरा सेठ जिए, मेरे सेठ ने जो जो वादे किए सब पूरा किए, उससे बढ़ के दिया है हमें। हाँ, सेठ को आबाद रखे, वादे पूरे किए। मुझे ये बताओ हमारे लिए क्या किया? अरे जो दिया है वो अपनी बेटी को दिया है, हमें नहीं दिया। और वो भी अपनी बेटी के आराम के लिए दिया है, और अपने सर से उतारी ये बेटी, भगौड़ी बेटी, हद हो गई। वो भी हम पर एहसान। ना शुक्रिया औरत, ना शुक्रिया औरत, जल कुकड़ी औरत है। अरे मैं तो सिर्फ एक दुआ करता हूँ कि या बारी ताला अल्लाह मेरे बेटे को तू सलामत रखना, और किसी गलत काम में ना पड़ जाए इस दौलत इस पैसे के चक्कर में, खुश आबाद रहे मेरा बच्चा। और या अल्लाह इस औरत को भी शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह मियां, मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, इनका क्या है लालचियों का। अच्छा बस हो गए ना, अब चलो उठो, महारानी बन के ना बैठो, जाओ चाय बना के लाओ मेरे लिए एक कप। बस चाय ला दो, ये लो ये वाली चाय पी लो, मैंने नहीं पी। अरे ना, मैंने पीता, गरम चाय बना के लाओ मेरे लिए। अरे गरम चाय है, मैंने नहीं पी, तुम पी लो। अरे ये मैं तो समझा रहा हूँ, तुम समझ भी जाए अपनी बात। Thank you.
अजय कम से कम 50 रुपए का लोड डालते हैं हम। मुझे बैलेंस नहीं डलवाना, एक फोन करना है। भाजी पीसीओ समझावा है क्या? मोबाइल नहीं है आपके पास? छिन गया क्या? मेरा मतलब है भाजी आजकल बहुत फोन छिन रहे हैं ना। देखिए भाई मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत मुसीबत से यहाँ आई हूँ, मुझे सिर्फ एक फोन करने दे दे। चले ले। हेलो हेलो मूसा। पाकीज़ा ये तुम हो ना? मूसा देखो बहुत मुश्किल से अपने घर से भाग कर आई हूँ, प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लो, फोन मत रखना प्लीज। अगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैंने तुम्हारा फोन उठाना बंद कर दिया तो तुम अननोन नंबर से फोन कर रही हो मुझे। मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही हूँ मूसा। तंग तो मुझे तुम तब से कर रही हो जब तुमने मुझे चीट किया था। इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं। अब तुम अपने हस्बैंड को चीट कर रही हो मुझसे बात कर, ऐसा मत करो। देखो तुम्हें जो कह रहा है कहो, लेकिन सिर्फ मेरी एक बात, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कोयल ने तुम्हारे और मेरे साथ आखिर किया क्या है। कोयल के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, वो मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है, ये मत भूलो तुम। ठीक है मत करना, पर कम से कम ये जान तो लो कि आखिर हुआ क्या था। सिर्फ एक बार मुझसे मिलने, वो रेस्टोरेंट जिस पे हमेशा जाया करते थे, उस रेस्टोरेंट के बाहर मिल लो मुझसे। मैं तुम्हें सब कुछ एक बार सच सच बता देना चाहती हूँ। देखो मूसा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं आरिफ के घर से भाग कर आ गई बहुत मुश्किल से। अगर तुम मुझसे मिलने आ गए तो ठीक है, वरना मैं यहीं पड़ी रहूं। तुम पागल तो नहीं हो, घर छोड़कर आ गई हो? अंकल और हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं तुम्हें? अपने घर वापस जाओ, ठीक करो सब कुछ। मैंने तुमसे कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी सब। पाकीज़ा पाकीज़ा ये फोन बंद हो। भाजी बैटरी खत्म हो गई होगी शायद। और तुमने मुझे देख के सिगरेट क्यों बुझा दी? मुझसे कैसा शर्माना? अरे हल्का फुल्का नशा तो सारे ही बच्चे करते हैं। वो बस मैं इशरत को छोड़ने आया था, वो अंदर गई है किसी काम से, तो मैं बस टाइम पास कर रहा था। हाँ बेटा ये है तो टाइम पास ही, कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ। आप भी? हाँ खाना हजम करने के लिए कभी कभी पी लेती हूँ। वैसे है ये बड़ी बकवास चीज, असली चीज तो कुछ और है। ये लो बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि सारे बच्चे जो है ना मेरे, वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारे, क्योंकि मुझे कभी जिंदगी में आराम नहीं मिला। आप परेशान ना हो, आप ये रखें। अरे नहीं बेटा उस दिन भी तुमने, कोई बात नहीं आप रखें, और चाहिए होंगे तो मैं अरेंज कर दूंगा कुछ। अच्छा तुम इतना इसरार कर रहे हो तो ले लेती हूँ, कितने हैं? अच्छा मैं गिन लूंगी। इशरत बेटा जल्दी आओ, साहब इंतजार कर रहे हैं। अब मैं उसे भेजती। अच्छा यहाँ धूप में क्यों बैठी हो? चलो मेरे साथ, चलो पाकीज़ा उठो, चलो मेरे साथ आओ गाड़ी में बैठो।
मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। तो क्या हाल बना रखा है तुमने? ये हाल मैंने बनाया? नहीं, तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी कोहिन का दिया हुआ तोहफा है मुझे। अंदर चलकर बात करते हैं, ये जगह नहीं, सब लोग देखते हैं। गाड़ी में क्यों? कोहिन पर चीट करोगे तुम मेरे साथ? तुम्हारे साथ अंदर बैठने में मैं कैसे चीट करूंगा? हम कोई डेट पर नहीं है। अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। Exactly. इतनी सी बात तुम्हारे जहन में उस वक्त क्यों नहीं आई मूसा? जब रेस्टोरेंट में बैठी और शाम के साथ बातें कर रही थी, वही सब कुछ दिखाने के लिए कोयल तुम्हें वहां लाई थी। तुम्हें तब लगा कि मैं तुम पर चीट कर रही थी, धोखा दिया है मैंने तुम्हें। यहाँ तमाशा मत लगाओ। ये होटल का मालिक मेरे और मामू की कंपनी के साथ काम करता है। इज्जत का तमाशा लगाओगी तो सबकी बेइज्जती है। तमाशा? तुम्हें ये सब कुछ तमाशा लग रहा है? ये देखो, देखो, ये देखो, तुम्हें तमाशा लग रहा है ना? ये सारी चोटें मुझे उस ड्राइवर आरिफ ने दी है, जिसे तुम्हारी बीवी कोयल ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई थी। ये हर रोज दुखते, और जब ये जख्म भरने लगता है तब वो आरिफ से ताजा कर देता है। तमाशा लग रहा है तुम्हें, तमाशा लग रहा है तुम्हें ये सब। पाकीज़ा, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। कुछ दिनों पहले मैं कोयल के साथ खाने पर गया और वहां वो हशाम भी था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और आज उसकी जो भी हालत है, कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं भी हूं, जबकि मेरा तो इसमें कोई कसूर भी नहीं था। मैं बस उसकी मदद करना चाह रहा था। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? वो चाहती थी कि मैं उसके कजन मूसा से मिलूं, जिससे वो मोहब्बत करती है, और उसको बताऊं कि खैर जो भी हो, मैं मानता हूं तुम्हारी बातों में वजन है, लेकिन कोयल जैसी मासूम लड़की पर मैं इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकता। ठीक है, फिलहाल तुम प्लीज हॉस्पिटल चलो। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। पाकीज़ा प्लीज यार, फिलहाल हॉस्पिटल चलो, ये बातें बाद में हो जाएंगी। चलो आज शुक्रिया शुक्रिया सईद भाई, शुक्रिया, सब आपकी दुआएं। यकीन करें मुझे इतनी खुशी हो रही है आपने फ़ोन करके खैरियत पूछी। आप लोगों का बड़ा साथ रहा, पुराने मोहल्ले के लोग हैं आप, सब खैरियत से हैं ना माँ? हाँ 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 हैं। क्या कह रहे हैं? कब? कल रात? अच्छा भाई, पता नहीं, खैर मैं घर आएगा तो मैं पूछता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, मैं उनको एड्रेस तो नहीं बताया ना? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलाम अलैकुम। अब से बोल रही हूँ उस लड़के को मजा ले, जो कोई मेरी बात सुन भी ले। हद होती है, और फिर मुझे समझते हैं कि मैं ऐसी बोलती हूँ। अब बताओ, एक हफ्ता हो गया आरिफ को कह रही हूँ पैसे ला दे, सौदा ला दे, घर में कुछ पकाना है, सौदा नहीं ला के दे रहा तो पैसे ला दे। कह रहे आज कल, आज कल, अम्मा शाम को, अम्मा सुबह। क्या करूं मैं, इतना बड़ा किचन बना दिया है, हैं? उसमें सिर्फ खाली बर्नियां पड़ी हैं, उसमें कुछ नहीं है पकाने को, क्या करे, भूखे मरे। ना शुक्रिया औरत, तुझे कुछ पता है क्या हो रहा है? कितना परेशान है हमारा बेटा। अभी सईद भाई का फोन आया था, पुराने मोहल्ले में चार पांच बंदे बंदूकें लेके उसका एड्रेस पूछ रहे थे। हाय अल्लाह, क्या कर दिया उसने? पता नहीं क्या क्या, क्या करता फिर रहा है। तेरी तरबियत है ये सब, ये तेरी तरबियत। देखा, मैं कह रही थी इस मनहूस शकील के साथ मत घूमा कर, जरूर कुछ ना कुछ कोई गुल खिलेगा। अब बताओ हो गया ना? छोड़, दुआ कर उसके लिए। सुबह आया था घर रात को या अभी तक नहीं आया है? मैं कह रही हूँ आज फैसला हो के रहेगा, शकील या हम। अरे कहाँ जाएंगे हम
पर आखिरी सहारा तो वही लड़का है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा इस लड़के का। पैसे भी नहीं है घर में, हम भी काम छोड़ के बैठे हुए हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ उसको एक कप चाय मिल जाएगी। ले, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। अरे मैं कह रही हूँ घर में बर्निया खाली पड़ी है, ना दूध है, ना पत्ती है, ना दालें हैं, कुछ भी नहीं है। तुम्हें चाय चाहिए? तुम भी शेप बढ़ाकर हाथ पे हाथ धर के घर में बैठ गए। मजा ले जो चार पैसों के लिए काम पे निकल जाओ, कम अज कम घर की दाल रोटी तो चले। सारी जिंदगी तेरे सामने सुनते सुनते गुजर गई हमारी। जाता हूँ भाई, जाता हूँ। या अल्लाह क्या करूं मैं, ये बाप बेटा मेरी सुनते नहीं। जो उसको हाथ भी लगाया था। तो बीवी को हाथ लगाने के लिए मुझे तुझसे पूछना पड़ेगा। बीवी, कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करता है? जानवर जैसा। तू है कौन बे? आशिक है तू इसका? माशूका है तेरी? कुछ चल रहा है क्या? ओए। तू जो कोई भी है, शोर हूं मैं इसका। अब यहां शोर मचाऊंगा ना कि तू मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो पब्लिक तेरे साथ क्या सलूक करेगी तू जानता है अच्छी तरह। हाथ अपना ना जेब में। आपकी इजाजत हो तो ले जाऊं। चल। अरे बेटा इस वक्त? हाँ आंटी, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा चाय पीना चलूं। इशरत घर पे होगी? हाँ हाँ, इशरत घर पे ही है। इशरत, ओ इशरत बाहर आ। हाँ अम्मा। अरे अफान साहब आप इस वक्त? अरे तलब तो कभी भी हो सकती है ना, क्यों राणा साहब? तो
आप भी शौक फरमाते हैं। हाँ हाँ कभी कभार। अरे बेटा ये राणा साहब हैं, राणा साहब इस इलाके में बड़ी स्टेट एजेंसी है इनकी। रिश्तेदार भी हैं, कदरदान भी हैं, मेहरबान भी हैं, ये हमारे बहुत कुछ हैं। पुरानी जान पहचान है इनसे हमारी। और हाँ अगर तुमने राणा साहब के हाथ की बनी हुई सुल्फी नहीं पी ना तो समझो कुछ नहीं पिया। पियोगे? राणा साहब सुल्फी बना के पिलाइए ना इन्हें। मसला ही कोई नहीं है तो फिर चले आए, आपको अपने हाथों का जादू दिखाते आए चले। अम्मा ये तो क्या कर रही है फान साहब के साथ? उसको छोड़ तू बता, तुझे कहीं उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? अपनी जवानी को आग लगाएगी क्या? और सुन तेरे दिमाग में अगर ऐसी वैसी बात है ना तो मैं नोच के फेंक दूंगी उसे। अम्मा तू भी पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कुछ नहीं सोच रही, जा जाकर चिपक कर बैठ से। जा अम्मा जा। और सुन तू जाकर कहना कि अम्मा को कैंसर हो गया है, समझ गई? अम्मा और सुन आंखों में आंसू ला कर कहना, जा दफा हो यहाँ से। तुमसे तेरी समझ नहीं आती। अरे जाना। कभी कभी तो लगता है ये मनहूस मेरी औलाद ही नहीं है, कम वक्त कुछ समझा समझती कुछ है। पहले तूने अपने बाप का मुंह काला किया, अब मेरे मुंह पे कालक मिलना चाहती हो तुम? अब तुम इस पर हाथ नहीं उठाओगे। तू कौन है तू? आशिक है इसका? हाँ बड़े आशिक हैं तेरे, एक आशिक अस्पताल में है, एक घर में है। वाह। अच्छा उस दिन भी बिल्ली नहीं थी, ये कुत्ता था। तू क्या करेगा इसका? इसे लेके जाएगा? अबे ऐसी लड़की को साथ रखेगा जो अपने शौहर के होते हुए कभी आशिक को घर बुलाती है, कभी किसी से मिलने के लिए जाती है, और तो और बस। अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं पाकिजा के बारे में। इसका सिर्फ नाम पाकिजा नहीं है, ये खुद भी पाकिजा है। तुम्हारी तरह नहीं, नाम आरिफ और करतूत, शर्म नहीं आती? औरत पर हाथ उठाते हो? ठीक है भाई, औरत पर हाथ नहीं उठाते। इसको क्या कर रहे हो? छोड़ छोड़ दो उसे, अरे छोड़ो। बड़ी आशिकी है भाई। पाकिजा चलो यहाँ से। चलो क्या मजाक चल रहा है कोई? चलो पाकिजा यहाँ से। ऐसे ले जाएगा तू इसे? देख बेटा आरिफ, लेकर तो इसको मैं जाऊंगा, क्योंकि इस इलाके के जो डीएसपी है ना वो मेरे बाबा के बचपन के दोस्त हैं। तो एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल पर इतनी पुलिस आ जाएगी ना यहाँ पर कि तुम्हारी सोच है, फिर तुम्हारे पुराने बंद केसेस भी ना खुल जाएंगे। ले जाना इसे। मुझे भी नहीं रखना ऐसी लड़की को, मजबूरी की वजह से शादी की थी मैंने। अब जल्दी लेके जा इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। चलो। और हाँ तलाक के लिए मेरा वकील कांटेक्ट करेगा, कॉपरेट कर लेना उससे। चलो बाकी से ठीक है।
शादी के बाद मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज, वो मैं वापस देना चाहती हूँ। कोयल बीबी, वो शाम आया था, ले गया पाकिजा को। नहीं, वो माहौल ऐसा बन गया था, मैंने जाने दिया। तलाक का बोल रहा है, वो कह रहा है कि वकील को भिजवाएगा पेपर्स के साथ। चलें ठीक है, मैं फिर घर चक्कर लगाता हूँ आपसे। मैं जी, अच्छा सभी का हाथ बहुत भारी है। अल्लाह, पता नहीं कहाँ रह गया। देखो ना, शायद सिग्नल्स प्रॉब्लम हो रही होगी। मरियम, मॉम मिलात हो रही हो। सिकंदर साहब, भाई शाम, थैंक गॉड भाई आप आ गए। हाँ, इसको संभालो। शुक्र है खुदा का। मरियम जाओ बेटा, पाकिजा को अपने रूम में लेके जाओ। पाकिजा बेटा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस घर को अपना ही घर समझना। हशाम के साथ साथ हम भी तुम्हारे हमदर्द हैं, ठीक है? परेशान मत हो बेटा, जाओ मरियम। हाँ चलें, आज से मेरा रूम आपका ही। आपको आराम की भी बहुत जरूरत है। बेटा ये सब कैसे हुआ? तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। बाबा वो सब बातें आप। शाम, बेटा उसकी जो हालत है ना, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब दिखाई दे रहा है हमें कि वहां क्या हुआ था। लेकिन अगर तुम फिर भी बता दोगे तो कम से कम हमें आसानी हो जाएगी उसे संभालने में। मामा, जब मैं वहां पहुंचा तो पाकिजा नहीं थी वहां पर। मेरे जाने से पहले ही आरिफ उस पर इस कदर तशद्दुद कर चुका था कि खैर, ये कब हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता। पाकिजा भी बेचारी सकते में कुछ बोल ही नहीं रही। पाकिजा तुम्हारे साथ यहां क्यों और कैसे आई, ये तो बता सकते हो? शुक्र है, ठीक किया तुमने कि यहाँ ले आए। अब जब तक सारा मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, वो आराम से यहाँ रह सकती है। पाकिजा को जिस तरह तुम यहाँ पर लेकर आए हो और जो तुम बता रहे हो, उससे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें जान से मार देते। तुम बचकर कैसे आए? बाबा वो सरफराज अंकल। ये क्या कह रहे हो, सरफराज? सरफराज वहां कैसे पहुंचा? वो वहां पर कुछ नहीं कर रहे थे बाबा, लेकिन मैंने सबको कह दिया था कि अगर किसी ने मुझे या पाकिजा को हाथ लगाने का सोचा भी, तो ये बात याद रख लें कि इस शहर के चीफ पुलिस ऑफिसर जो हैं,
वो मेरे बाबा के बचपन के दोस्त हैं, तो अपना अंजाम सोच लें। शाबाश बेटा शाबाश, वाह। अंकल सरफराज का नाम तुमने इस्तेमाल किया और तुम्हें पता है ना अंकल सरफराज कितने फर्ज शनाज पुलिस ऑफिसर हैं, उन्हें सारे मामलात पता चल जाते हैं ना, वो तुम्हें खुद अंदर कर देते। चले छोड़े ना बेटा, आई एम सो सॉरी, हम लोगों ने तुम्हें समझने में गलती की। यू हैव मेड अस प्राउड। भी तो यही कह रहा था कि इस मुर्मूज के गुर्दे किसी काम के नहीं है, हमारे लिए बेकार है ये बिल्कुल। ले जाए इसे यहाँ से, ये हाईवे पे ट्रक के आगे डाल देना इसे, बस और क्या। मैं जानता हूँ कि मैं उस वक्त तुम्हारा दिल नहीं जीत सका, ना ही आज जीत सका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश सारी जिंदगी करना चाहता हूँ। तुम्हें मुझे एक और मौका देना होगा। मेरा कोई कसूर नहीं है, और पकीज़ा बाजी को भी उन्होंने ही फंसाया था ताकि उनकी शादी वो ड्राइवर से करा दे और आपसे शादी करके उनसे बदला ले ले। और तो और कोयल बाजी ने ही मशल बाजी के बच्चे को मारने के लिए मुझे जहर ला कर दिया ताकि मैं उनके दूध में मिलाकर उनको पिला दूं।